एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीलीभीत में बेटे और बेटी को जहर देकर मार डाला। पीलीभीत से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गांव रंभोजा में रहने वाले बालक राम 45 वर्ष का शव बुधवार सुबह फंदे पर लटका मिला। उसका पुत्र निहाल 11 वर्षीय और पुत्री शालिनी 15 वर्षीय का शव कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में चारपाई पे मिला। दियोरिया कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इसका मिलते ही पर एसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने भी गांव पहुंचकर परिवार वालों को वार्ता का जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। अभी घटना को लेकर कई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि दियोरिया कोतवाली के गांव रंभोजा निवासी बालक राम की पत्नी राजवशी देवी मायके गई थी। बड़ा पुत्र शिवम अपनी पत्नी के साथ गांव गजाड़ा स्थित रिश्तेदारी के यहाँ गया था। बालक राम ने अलावा उनकी बड़ी बेटी शालिनी 15 वर्षीय, पुत्र प्रभात 13 वर्षीय, पुत्र निहाल 11 वर्षीय घर पर थे। जब सुबह प्रभात सोकर उठा तो उसके कमरे में से पिता गायब थे, जबकि भाई और बहन को जगाने का प्रयास कर रहे थे, मगर वह उठे नहीं। पिता नजर नहीं आए तो प्रभात ने अपने चाचा को बताया कि पिता गायब है और भाई और बहन उठ नहीं रहे हैं। जबकि प्रभात और चाचा के घर में अंदर जाकर देखे तो बालक राम का शव बरामद हुआ और फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि निहाल को शालिनी के शव कमरे में अंदर चारपाई पर मिले। सूचना पर बालक राम की पत्नी और बड़ा पुत्र भी गाँव पहुँच गए थे। 12 साल बाद पर्दे पर नजर आएंगे फरदीन खान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन खान कुकी गुलाइटी की फिल्म विस्फोट से दोबारा बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाले हैं। संजय गुप्ता द्वारा निर्मित इस फिल्म की पिछले साल सितंबर से सिनेमाघरों में रिलीज करने की घोषणा हुई थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने संजय गुप्ता को बताया कि फरीदा खान की कमबैक फिल्म सिनेमाघरों में नहीं, सीधे ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। एक इंटरव्यू के संजय गुप्ता ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर की परिस्थितियों के कारण 2023 में फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया गया है। विस्फोट 2012 में की वेनेजुएला की फिल्म रॉक पेपर कैंची का आधिकारिक रोमिंट है। पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार माने तो फिल्म में रितेश देशमुख एक पायलट और फरदीन खान एक कैप्टन के किरदार में निभाने वाले हैं, जो रितेश के बेटे का अपहरण कर लेता है। वही एक इंटरव्यू में फरदीन खान ने बताया कि यह डोंगरी के एक लड़के की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग दक्षिण मुंबई इलाके में हुई है। इस फिल्म के फरदीन और रितेश के अलावा प्रिया बापट और स्क्रिटल ड्यूजा समेत बापट और शिवा चड्डा भी शामिल है। संजय गुप्ता ने इंटरव्यू में यह बताया है कि हर्षवर्धन राणे और मजीहाज जाफरी स्टारर उनकी डायरेक्टोरीज वेंजेंस में सीधे ओटीटी पर आने वाली है। फिल्मों को थिएटर में रिलीज करने पर ओटीटी पर रिलीज करने से पीछे की वजह छुपाने पर उन्होंने कहा है कि इन फिल्मों को थिएटर में लगे जाने और उनकी बड़ी संख्या में कमाई करने का कोई भ्रम नहीं पाला है। मुझे पता है कि बॉलीवुड को कोरोना के बाद फिर से पटरी पर लौटने में कितने साल लगेंगे। वहीं संजय गुप्ता का एक्टर साउथ हाउस 3 और फिल्मों बना रहा है, जो भी ओटीटी पर रिलीज होगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।